हेलो मेरे प्यार दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। मैं क्लब एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बाकी कंपनी की तरह आप सैमसंग पे पीछे नहीं हटने वाला, क्योंकि वो भी अपने बहुत सारे 5G फ़ोन लेकर आ रहा है। ऐसे में दोस्तों, ए सीरीज के अंदर एक नया सैमसंग का फ़ोन आने वाला है, जो कि होगा सैमसंग गलेक्सी A32, और ये एक 5G फ़ोन होने वाला है और ये काफ़ी जल्द लॉन्च होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसको SIG ब्लूटूथ की सर्टिफिकेशन मिल चुकी है। बस कुछ ही दिन बाकी है इसके लॉन्च में। तो चलिए दोस्तों, इस फ़ोन के बारे में पूरी डिटेल में जान लेते हैं। फिलहाल दोस्तों, इसके इमेज तो कुछ ज्यादा निकल कर सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ लीक्स निकल कर सामने आ रहे हैं, उससे पता चल जाता है कि हमको पीछे की तरफ इसमें लेफ्ट साइड पर मिलेगा एक क्वाड रियर कैमरे का सेटअप। अब दोस्तों, अगर इसके डिस्प्ले के बारे में मैं आपको बता दूं, इसमें आपको मिल जाएगा एक 6.5 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जिसकी पिक्सल डेंसिटी होने वाली है 395 PPI, यानी कि आपको डिस्प्ले तो इसमें काफ़ी अच्छी मिल जाएगी, क्योंकि सैमसंग के फ़ोन में डिस्प्ले की कोई कमी नहीं रहती है। और दोस्तों, अगर इसके कैमरा की बात की जाए, इसमें आपको मिल जाएगा क्वाड रियर कैमरे का सेटअप। प्राइमरी कैमरा आपको इसमें मिलेगा 48 MP का कैमरा, उसके साथ जो दूसरा कैमरा है वो आपको इसमें अल्ट्रा वाइड शॉट्स के लिए मिल जाएगा 8 MP का कैमरा, और तीसरा कैमरा आपको इसमें 5 MP का डेप्थ सेंसर मिलने वाला है, और चौथा कैमरा भी आपको इसमें 5 MP का माइक्रो लेंस मिलने वाला है, और आपको इसमें फ्रंट सेल्फी कैमरा मिल जाएगा एक 16 MP का कैमरा। मेन दोस्तों, अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए, इसमें आपको मिलने वाला है मीडिया टेक का डायमेंसिटी 720 का चिपसेट। जी हाँ, इस बार 5G के लिए सैमसंग जो है वो बाहर की तरफ भाग रही है, या तो वो क्वालकॉम के चिपसेट यूज़ कर रहा है या वो कर रहा है मीडिया टेक के चिपसेट, क्योंकि फिलहाल जो सैमसंग ने खुद का 5G चिपसेट बनाया है वो काफ़ी प्रीमियम फोन्स के लिए बनाया है, अभी लो बजट के लिए वो बाहर की तरफ ही भाग रहा है, क्योंकि और इसी के साथ आपको इसमें मिलेगा मीडिया टेक का डायमेंसिटी 720 का चिपसेट। उसके साथ में आपको दोस्तों रैम अच्छी खासी मिल जाएगी, क्योंकि इसमें आपको मिलने वाली है 6 GB की रैम, और इसके साथ में आपको मिल जाएगी 64 GB की इंटरनल स्टोरेज। और दोस्तों, आपको इसमें बैटरी भी अच्छी खासी मिल जाएगी, क्योंकि इसमें आपको मिलने वाली है एक 5000 mAh की बैटरी, साथ में आपको 15 वाट की फास्ट चार्जिंग स्पॉट भी मिल जाएगी। अब लास्ट में अगर इसकी प्राइसिंग की बात की जाए, ये एक लो बजट का मिड बजट का फ़ोन होने वाला है, और इसका प्राइस होने वाला है जो लीक्स निकल कर सामने आ रहा है उस हिसाब से इसका प्राइस होने वाला है 17,999 रुपये, यानी कि तकरीबन 18,000 रुपये में आपको सैमसंग की तरफ से मिलने वाला है एक 5G फ़ोन, जिसके दोस्तों कैमरास वगैरह काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और भी स्पेसिफिकेशंस काफ़ी अच्छी लग रही है। आप लोगों को इस प्राइस के हिसाब से इस फ़ोन के बारे में क्या कहना है, अपनी राय प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि जैसे मैं वीडियो को अपलोड करूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ सके। तो दोस्तों, मिलते हैं कौन नए फोन के साथ और एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा।